वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको आज जो वीडियो दिखा रहे हैं, ये वीडियो अंधेरी लोखंडवाला में लोकेटेड है और इसमें ये जो पैडल प्लेटफॉर्म है आप आउटर फ्रीज आप जो देख रहे हैं तो हमने लैमिनेट इसमें यूज किया हुआ है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से ये दिख रहा है, इसमें हमने क्या क्या चीज हमने प्रोवाइड की हुई है। जैसे कि आप देखते हो यहाँ पे सिंक का प्रोविजन है, सिंक के नीचे यहाँ पे दो डोर्स दिए हुए हैं। दो डोर्स आप ओपन करते हो तो यहाँ पे एक डस्टबिन के लिए प्रोविजन है, जो हेटिक का जो डस्टबिन है वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है। वो जो डोर के ऊपर अटैच रहता है और उसके ऊपर ये फ्लैप आता है, जब आप डोर क्लोज करते हो तो ये डस्टबिन जो रहता है बंद हो जाता है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिटर्जेंट के लिए होल्डर दिया हुआ है। डिटर्जेंट का जो होल्डर है उसमें आप नीचे साबुन वगैरह रख सकते हो और ऊपर में गार्बेज बैग है वो आप रख सकते हो। एग्जैक्टली उसके बाजू में यहाँ पे दो ड्रॉर्स दिए हुए, दोनों ड्रॉर्स टैंडम ड्रॉर्स है। फर्स्ट ड्रॉअर से हम आप देखते हैं तो ये जो बड़ी साइज का ये जो ड्रॉअर है उसमें बड़ी साइज के यूटेंसिल्स रखने के लिए है। उसके बाद में नीचे का जो ड्रॉअर है ये प्लेट्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। प्लेट्स के लेकर आप यहाँ पे देखते हो तो एक बड़ी प्लेट्स के लिए है और एक छोटी प्लेट्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। और मेन इसमें खासियत ये है कि ये दोनों रिमूवेबल है, अगर आपको ड्रॉअर्स वगैरह आपको क्लीन करना है तो ये पूरा निकल जाता है और आप इसको ड्रॉअर्स को पूरा इजीली क्लीन कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे स्पाइस के लिए पुल आउट दिया है, जिसमें मसाला के जो भी छोटे छोटे जो भी कंटेनर्स रहते हैं आप उसके अंदर आप ये रख सकते हो। एग्जैक्टली उसके बाजू में यहाँ पे कटलरी के लिए प्रोविजन है, पीवीसी की कटलरी हमने यहाँ पे यूज की है जो रिमूवेबल भी रहती है, निकल जाती है, आप उसको वॉश भी कर सकते हो। एग्जैक्टली उसके नीचे यहाँ पे एक उससे एक साइज छोटा ड्रॉर्स दिया हुआ है जो मल्टीपर्पज आप उसको यूज कर सकते हो, प्लेन है। अगेन बड़ा ड्रॉर्स दिया हुआ है, सेम एज इट इज यहाँ पे और तीन ड्रॉर्स दिए हुए हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो वापस और दो ड्रॉर्स दिए हुए हैं। और मेन प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर में यहाँ पे हमने टॉप कैबिनेट्स दिए। टॉप कैबिनेट्स अगर हम लोग स्टार्टिंग से यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक्वा गार्ड के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, एक्जेक्टली सिंक के ऊपर है, नीचे मटके के लिए प्रोविजन है। एक्वा गार्ड कैबिनेट जो है उसमें हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जब आप कैबिनेट ओपन करते हो तो एक्वा गार्ड डायरेक्टली वॉल के ऊपर फिट रहता है। उसके बाद में यहाँ पे एक पार्टीशन दिया हुआ है और एक पार्टीशन के बाद में हमने यहाँ पे प्लेट्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। यहाँ पे ऊपर में भी आप जो प्लेट्स वगैरह ऊपर आप भी रख सकते हो और नीचे ग्लासेस आप रख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे दो टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं। और ये जो चिमनी के लिए स्पेस छोड़ी गई है उसके ऊपर भी यहाँ पे स्टोरेज हमने दिया हुआ है, सेम एज इट इज। यहाँ पे भी हमने दो डोर्स दिए हुए, दोनों डोर्स टॉप ओपनिंग है। और उसके बाद में यहाँ पे नॉर्मल सिंगल डोर दिया हुआ है, जो 1 केजी की जो बॉटल्स वगैरह स्टोर करना है वो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। अभी हम आते हैं सर्विस प्लेटफॉर्म पे। सर्विस प्लेटफॉर्म में आप देखोगे तो सेम एज इट इज यहाँ पे तीन टैंडम दिए हैं, यहाँ पे भी तीन टैंडम दिए हुए हैं और यहाँ पे ओपनेबल डोर्स दिया हुआ है। डोर ओपन करके यहाँ पे ऊपर नीचे आप हेवी आटे के डिब्बे रहते हैं, तेल के डिब्बे रहते हैं, उस टाइप के जो भी हेवी कंटेनर आप रख सकते हैं। उसके ऊपर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी हमने दो टॉप ओपनिंग डोर्स दिए हुए हैं, जिसमें एक हम यहाँ पे क्रॉकर इसके लिए प्रोविजन दिया हुआ है, क्रॉकर इसे रख सकते हैं। और प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पे हमने आप देखोगे तो एक रोलिंग शटर दिया हुआ है पीवीसी का। ये पीवीसी के रोलिंग शटर्स में हमने प्रोविजन दिया हुआ है माइक्रोवेव और मिक्सी रखने के लिए। माइक्रो जो है ऑलवेज आई लेवल पे होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइक्रो एग्जैक्टली आप देख सकते हो ये आई लेवल पे है, तो माइक्रो के लिए प्रोविजन है, उसके ऊपर मिक्सी रखा हुआ है। और एक वर्टिकल टॉयल यूनिट दिया हुआ है। वर्टिकल टॉयल यूनिट में अगर आप देखते हो तो इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखोगे तो दो टैंडम ड्रॉअर्स दिए हुए हैं, जो डोर ओपन करने के बाद में आप उसको पुल करना है। सेम अगर आप देखते हो इसमें तो यहां पे तीन टैंडम दिए हुए हैं,
इस तरह से जो क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स थी वो रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल हो चुकी है। तो आपने देखा कि ये जो हमने पहले किचन में हमने ये जो पूरा जो मॉड्यूलर में हमने पूरा जो स्टोरेज दिया हुआ है वो किस तरह से हमने उसका सेटअप पूरा किया हुआ है। आपको हमारा वीडियो ये पसंद आए तो उसके लाइक कीजिए, उस पर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।